हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक डंपर के अंदर मैं बैठा हुआ हूं और मैं जो दिखा रहा हूं ये एक डंप ब्रेक है और सामने एक गियर लीवर आप देख रहे हैं। जब भी गाड़ी खड़ा करके डाला उठाया जाता है तो डंप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हैंडल के पास आप देख रहे हैं, स्टेयरिंग के पास, ये भी एक तरह का ब्रेक है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये सबसे राइट साइड में एक्सीलरेटर है और उसके बाद जो है वो सर्विस ब्रेक है और वो जो है रिटार्डर है, जो अभी आपके लेफ्ट पैर में है वो रिटार्डर ब्रेक है। आपको पता होगा रिटार्डर ब्रेक का काम ये होता है कि जब ढलाव में गाड़ी उतरता है तो हम लोग लो गियर में पहुंचा करके रिटार्डर का इस्तेमाल करते हैं ताकि गाड़ी कंट्रोल्ड वे में उतरे, चक्का स्किड ना करे, चक्का जो है लॉक ना हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं गियर लीवर, ये इंजन का ट्रांसमिशन का गियर को बदलने का काम में आता है। इसका क्लोज व्यू हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये गियर बदल रहा है, ऑपरेटर किस तरह से गियर बदला जाता है। इसमें सबसे नीचे एल गियर रहता है और सबसे ऊपर आर गियर रहता है। आर के बाद एन रहता है, एन के बाद डी रहता है और डी के बाद जो है 6 5 4 3 2 L, ऐसे गियर रहता है। ये सब गियर का अपना अपना काम रहता है। ऊपर से स्टार्ट करें अगर हम लोग तो सबसे ऊपर आर गियर का काम होता है रिवर्स गियर, उसके नीचे एन गियर का नाम काम होता है न्यूट्रल गियर, जहाँ पे गाड़ी एक्सीलरेटर देने पे आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि बता दूँ ये ऑटोमेटिक टाइप का गियर है। ऑटोमेटिक टाइप का गियर कैसे काम करता है मैं वो भी बताऊँगा इस वीडियो में। जैसे कि अभी ये ऑपरेटर जो है वो गियर चेंज कर रहा है। ज़रूरत के हिसाब से गियर मैनुअली भी लगाया जा सकता है और ऐसे ऑटोमेटिक भी। जैसे अभी ये गियर डी में लगा दिया, तो डी में लगाने का मतलब है कि ये ड्राइव मोड में है, मतलब कि मशीन जो है वो ऑटोमेटिक 1 नंबर से ले करके 6 नंबर तक गियर को बदली करते रहेगा। उसको जैसा रोड समझ में आएगा या जैसा उसको स्पीड, जैसा ढाल या कंप्यूटर इसके अंदर लगा रहता है, ये कंप्यूटर जिस तरह से कैलकुलेट करेगा उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक गियर बदलता है। एल गियर हुआ सबसे लास्ट का गियर, मतलब कि जैसे बाइक में 1 नंबर गियर रहता है, जहाँ ज़्यादा एक्सीलेटर देने पर भी डंपर जो है कम स्पीड में चलती है और बहुत कंट्रोल्ड वे में चलती है। 2 नंबर उससे ज़्यादा तेज़ होती है, 3 नंबर उससे ज़्यादा तेज़ होती है, ऐसे करते करते 6 नंबर गियर तक पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ डंपर चलने लगती है। और डी में कर देने से डंपर जो है ऑटोमेटिक 1 से लेकर के 6 के बीच में अपने आप रोटेट करती है, जहाँ जैसा ज़रूरत हो वहाँ वो गियर खुद लगा देती है। तो ये आज के वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि डंपर में गियर कैसे काम करता है, गियर नंबर का क्या क्या मतलब रहता है, और गियर हैंडल के बगल में एक ब्रेक रहता है जो जिसको डंप ब्रेक बोलते हैं। हालांकि आप लोग डंप ब्रेक के बारे में वाकिफ़ होंगे, देखिए अभी ये डंप ब्रेक लगाया। तो इसी तरह डंप ब्रेक एक छोटा सा स्विच होता है, सब मैकेनिकली हो गया है, मतलब आपको शरीर का जोर लगाने का ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बटन दबाइए, इलेक्ट्रिकली जो है सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।